बताइए ठीक से क्या किसका घर है ये? मेरा घर के नाम है, संतु के नाम है और किसी के नाम में नहीं है। अधिकारी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती ये महिला अपना घर बचाने की गुहार लगा रही है, वो घर जिसे किसी अपराधी का बताकर तोड़ा जा रहा है। लेकिन असलियत ये है कि ये घर उस अपराधी का है ही नहीं। महिला आखिरी तक कहती रही कि मेरे पास घर के पूरे कागजात हैं, लेकिन प्रशासन को घर तोड़ने की इतनी जल्दी थी कि अपराधी की जगह उसकी बुजुर्ग महिला रिश्तेदार के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसका कारण पहले तो प्रशासन ने ये बताया कि आरोपी रवि निषाद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, लेकिन बाद में जब मीडिया ने सवाल पूछे तो कहने लगे कि इस घर का नक्शा पास नहीं था इसलिए गिरा दिया। मामला कटनी जिले के आधार कांप का है, जहां पर सावरकर वार्ड की निराशा बाई नामक बुजुर्ग महिला के घर अचानक ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। रोती बिलखती महिला तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव के पैरों में गिर गई और ये कहती रही कि ये किसी अपराधी का घर नहीं है, इस घर के सभी कागजात उसके पास हैं, इस घर में कोई भी रवि निषाद नाम का अपराधी नहीं रहता। लेकिन तहसीलदार SDM व निगम प्रशासन ने बुजुर्ग महिला निराशाबाई की एक न सुनी, उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया, उसके घर का पूरा सामान बाहर फेंक दिया और घर पर बुलडोजर चलाकर घर को जमींदोज कर दिया। आप बताइए ठीक से क्या किसका घर है ये? मेरा घर निराशा भाई के नाम है, संतु के नाम है और किसी के नाम में नहीं है। क्या बोल के आके तोड़ने लगे ये भैया? हमको कागज दिए, हमको काम आम न लिखे न पड़े, आके तोड़ने लगे। हम नहीं जानते भैया कुछ। घर किसका है ये? मेरा घर है भैया। क्या नाम लिखा है? निराशा भाई लिखा है भैया। मेरे नाती यहाँ नहीं रहे तो उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। यहाँ नहीं रहता, उस तरफ रहता है, यहाँ नहीं रहता। शासन कुछ बताया होगा तोड़ने के? शासन हमको कुछ नहीं बताया कि नोटिस हमको भेजे तो हम आने वाले आज रहे तो हम जा नहीं पाए, मुझे तैयार आ रहे भैया जाने के लिए। कब आया नोटिस? नोटिस परसों के दिन आया भैया। रवि निषाद नाम नोटिस आई है, रवि निषाद का घर नहीं है, हमारे माँ का है लेकिन उसका नाम हम कहीं नहीं, पट्टा किसी का नाम का नहीं है, अवैध में हमारा घर गिराए गए हैं ये लोग, जबरदस्ती गिराए गए हैं। रवि यहाँ नहीं रहता? नहीं यहाँ नहीं रहता, वो नदी के उस पार रहता है, क्या लगता है बैंकट वार्ड लगता है वो। रवि रहता कहाँ? रवि यहाँ नहीं रहता। माँ बाप कहाँ रहते हैं उसके? माँ बाप वही रहते हैं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है, रवि का कोई नाम ही नहीं है पट्टा में, ये हमारी माँ का नाम कहा है, निराशा बाई का नाम कहा है। उसका घर एक नोटिस आई, एक नोटिस में घर गिरा दे, हमारे पास नोटिस आती तो हम जानते हैं, हमारे पास नोटिस नहीं, नोटिस रवि निषाद के नाम पे आई, रवि निषाद का कोई पट्टा नहीं है, कोई घर नहीं, ना कोई जमीन है उसके नाम पे। वही जब ADM प्रिया चंद्रावत से पूछा गया कि जब ये घर आरोपी के नाम पर ही है तो ये कार्रवाई किस आधार पर की गई, तो ADM ने कहा कि इस घर का नक्शा पास नहीं हुआ था इसलिए गिरा दिया गया। आज दिनांक को शासन द्वारा निर्देशित जो किया गया है कि महिला अपराध संबंधी जो भी अपराधी हैं उनके संबंध में कार्यवाहियाँ की जाएं। नगर निगम एरिया अंतर्गत सावरकर वार्ड में रवि निषाद पिंतू पिता संतु निषाद के द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, साथ ही SC ST एक्ट में भी उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, साथ ही 354 IPC 11 और 12 के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नगर निगम के द्वारा इन्हें जो घर बनाया गया है इनके द्वारा ये नक्शा पास नहीं करवाया गया। नाम पे मैडम ये नोटिस जारी हुआ था? नोटिस जारी इनके पुत्र रवि निषाद के जो कि मुख्य आरोपी हैं। घर किसके नाम पर है एक्चुअल? आपने जो कागज देखा वो किसके नाम पे? नगर निगम के माध्यम से आपको जानकारियां मिल जाएंगी। ये बता रही थी जो पीड़िता है कि उसके नाम पे कागज था और यहाँ पे जिसके नाम से अपराध, नगर निगम में अपनी समस्या, उसके बाद भी उसका घर तोड़ दिया गया है, उसका नाम नक्शा पास नहीं है इस कारण से नगर निगम के माध्यम से अपराध आप बता रही है, तो अपराध में नक्शा पास ना होने पर कोई नियम कानून होते हैं? अपराध उसी के द्वारा रवि का घर है, उसी का नाती है, रवि पट्टा है उसके नाम, उसी रवि का नाती है, उसी अम्मा का नाती है। जानकारी अपना। मामले में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये घर अपराधी रवि निषाद के नाम पर था ही नहीं तो फिर प्रशासन ने इस घर को गिराने में इतनी जल्दी क्यों दिखाई, आखिर किस आधार पर ये कार्रवाई की गई? पंजाब केसरी TV के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।